ओके सो हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस जो इस टाइप की जो फोटो एडिटिंग है गाइस वो इंस्टाग्राम पे काफी कुछ ज्यादा वायरल हो रही है। एंड गाइस आप लोगों का मेरे को मैसेज भी आया था इस फोटो के लिए कि गाइस हमें मतलब ये भाई हमें इसका जो है ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैंने गाइस सोचा कि ना आप सभी को इसका ट्यूटोरियल बना दिया जाए। तो जो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। अभी आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट गाइस मैंने वीडियो बनाई तो बहुत इजी स्टेप में बनाई होगी, आप सभी को पता ही है। तो आप लोग बस वीडियो कंप्लीट वॉच करना, बाकी मैं आप सभी को बता दूंगा कि आपको कैसे एडिट करना है। तो बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जरा इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आप देख सकते हम 30,000 सब्सक्राइबर के कितने करीब, तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो गाइस इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो आप सभी को सबसे पहले चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को पहले करना है आप सभी को अपने मॉडल कहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले मॉडल को ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा मॉडल आ चुका है, तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं एंड यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे कि ऐड पे हम जैसे मतलब हमारा मॉडल यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको जो बैकग्राउंड वगैरह जो इसको आपको इससे हाइड कर देना है अपने मॉडल से, ठीक है। मतलब कि जो पीछे बैकग्राउंड वाइट वाला जो भी एरिया था उसको मतलब कि एकदम ढक जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को जो अपने मॉडल का डुप्लीकेट बनाना है एंड सेम साइज़ में रख देना है। फिर उसके बाद इसको लेके चले जाना आपको इफेक्ट में। इफेक्ट में ले जाने के बाद आपको अभी ब्लैक एंड व्हाइट लेना है। ब्लैक एंड व्हाइट को लेने के बाद आपको उसका जो है अमाउंट माइनस कर देना है, ठीक है, ताकि ब्लैक हो जाए। फिर उसके बाद आपको उसको अगेन लेके चले जाना है इफेक्ट में, ठीक है। एंड इसको आप चाहो तो मर्ज करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको नेगेटिव लेके एंड यहाँ से जो हम इरेजर टूल में जाएंगे इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे। ब्रश लेने के बाद जो है इसके ओपेसिटी हार्डनेस हम कम कर देंगे एंड साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो साइड साइड में जो हम इसको ऐसे पेंट करेंगे ताकि जो मतलब पीछे से जो लाइट है वो हमारे मतलब कि रियलिस्टिक लगे इससे, है ना। तो इससे देखिए मतलब रियलिस्टिक लग भी रही है अब, ठीक है। तो हम इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे एंड इसका जो पहले हम स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है। फिर इसका एक डुप्लीकेट लेंगे हम। डुप्लीकेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, साइड में रखेंगे, इरेजर टूल में जाएंगे, इसको पूरा फिल कर देंगे, ठीक है, जैसा था हम उसको पहले जैसा कर देंगे वापस से, है ना, क्योंकि अभी हमें इसका और भी काम है अभी, तो उसको हमने कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सेम साइज़ में वैसे रख देंगे जैसा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे इफेक्ट में वापस से। इफेक्ट में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम नया जो मतलब कि हमारा जो ह्यू है, ठीक है, कलराइज है, जो ह्यू नहीं कलराइज आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ये हमारा यहाँ परफेक्ट है, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, तो सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे एंड इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये जो फायर है जो साइड में ये कौन सा कलर में लग रहा है। तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इन्वर्ट करते हैं। फिर इसका ब्रश लेते हैं, ब्रश को लेने के बाद जो क्या करेंगे, यहाँ से साइड साइड में पेंट करेंगे। पहले इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, हार्डनेस ओपेसिटी कम एंड पेंट करते हैं साइड में, ठीक है। मतलब लगना चाहिए ना रियलिस्टिक, बिल्कुल एकदम बना रहे हैं हम फोटो को, तो है ना। तो आप लोगों को इसी तरीके से करना है और फेस पे भी हम थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपेसिटी हम कम रखेंगे फेस के पास एंड साइज इंक्रीज एंड यहाँ से पेंट करते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी फेस के ऊपर आ रहा होगा जैसे आपको दिख रहा होगा, है ना। तो हमें इस तरीके से ही करना है। तो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, जब इतना हो जाएगा आपका काम, तो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ से देखिएगा यहाँ पे मतलब कि एकदम रियलिस्टिक लग रही है फोटो, है ना। अभी आप हम इसको डन कर लेते हैं। अब गाइस इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है फोटो को सेव कर लेंगे, ठीक है, और कलर करेक्शन करके इसको हम और भी रियलिस्टिक बना देंगे, है ना। अभी आप देखते रहना। तो अभी हम इसको सेव करते हैं एंड यहाँ से लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। अब लाइट रूम ऐप में तो हम ऐड करके रखते हैं फोटो को, तो यहाँ से हम लाइट पर जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को लेंगे पहले इंक्रीज़ कर देंगे एंड जो हाईलाइट्स हैं इनको हम इंक्रीज़ कर देंगे। शेडो जो है मतलब शेडो को जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेडो को इंक्रीज़ कर लेंगे। फिर जो वाइट है वाइट को हम थोड़ा माइनस कर देंगे, ब्लैक को इंक्रीज़ कर देंगे एंड उसके बाद चलेंगे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद यहाँ से बढ़ाएंगे वाइब्रेशन एंड उसका टेम्परेचर को कम। फिर कल चलेंगे मिक्स में, मिक्स में जाके ऑरेंज कलर सेलेक्ट, ल्यूमिनस को प्लस एंड ह्यू को लेंगे, ह्यू को माइनस कर देंगे एंड जो सैचुरेशन इसको प्लस। एंड उसके बाद लेंगे यहाँ से हम डार्क ब्लू, डार्क ब्लू को लेंगे ह्यू को कम, ह्यू को माइनस एंड सैचुरेशन को प्लस। फिर चलेंगे ऐसे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद हम ऐसे क्लियरिटी को इंक्रीज कर देंगे एंड जो विग्नेट हल्का सा डाल देंगे फोटो के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे फीदर जो है, फीदर को जो है हम इंक्रीज़ कर देंगे। फिर चलेंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस बढ़ाएंगे, नॉइज रिडक्शन बढ़ाएंगे एंड जो है मतलब इतना ही है हमारी फोटो में, ठीक है। तो अभी इतना बहुत है, तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।